है कि जो हमारा मेजर मेला है वो 28 जुलाई से 4 अगस्त तक किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हमारा पहले भी रहा है कि 28 जुलाई को जो चीफ गेस्ट है वो ऑनरेबल गवर्नर साहब मेले का शुभारंभ करेंगे, और मेले का समापन जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 4 अगस्त को करेंगे। तो बाकी जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि मिंजर मेले के दो मुख्य हमारे तीन मुख्य आइटम ग्रुप है। पहला आपका है जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है कल्चरल नाइट्स, जो कि 8 रातें यहाँ पे होती है। दूसरा आपका है स्पोर्ट्स इवेंट, जो कि विभिन्न प्रकार के खेलों के हम लोग आयोजन करते हैं, जिसमें जैसे चंबा के खिलाड़ियों को और बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो आके अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा एक है जो हमारी रीति रिवाज और जो यहाँ की संस्कृति को जो सरोजने की और दिखाने की जो हमारी तरफ से कोशिश रहती है। तो इन्हीं तीन चीजों को देखते हुए ओवरऑल मंजर की तैयारी करी गई है। जहाँ तक आपका चंबा के रीति रिवाजों की बात है, तो जो MC चंबा है उनके तरफ से शोभा यात्रा की तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही में जो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ से विधिवत शुरुआत की जाती है, मिंजर है जो कि मिंजर मेले की एक पहचान है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसपे भी हमने प्रयत्न किए हैं कि हम थोड़ा इको फ्रेंडली होकर प्लास्टिक का जो यूसेज है वहां पे रिड्यूस करें, खत्म करें, एंड जितना भी हम हमारी लोकल ट्रेडिशंस को सहेज सकते हैं उनको सहेजने की हमने इस मेले के इस बार के आयोजन में हम लोग कोशिश करेंगे। ये कोशिश पहले से चलती आ रही है और नहीं कि फाउंडेशन पे इस बार का जो हमारा प्रयत्न प्रतियोगिता का आयोजन है और जो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग है वो पहले आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो हमारा एक मुख्य प्रारूप रहता है मेले का कल्चर नाइट्स और चीफ गेस्ट, उसके बारे में डिस्कशन और ब्रीफिंग उसके बाद। जहाँ तक सुरक्षा प्रबंधों का सवाल है, तो पूरे चंबा टाउन को हमने 3 सेक्टर में बांटा। पहला सेक्टर हमारा 14 नंबर 1 है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। दूसरा सेक्टर हमारा है जो रिमेनिंग 14 है, 14 नंबर 2 3 4 5। और तीसरा सेक्टर हमारा ट्रैफिक है, जो कि काफी बड़ी समस्या रहती है, बहुत ही बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं। और इसके अलावा जैसे कि हर साल होता है, हमें पार्किंग की व्यवस्था पुलिस ग्राउंड बागा में की है, और जिले की भी हम मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज करेंगे सुरक्षा प्रबंधन में। इसके अलावा हमें बाहर से भी लगभग 225 पुलिस जवान प्राप्त हुए हैं जिनको ड्यूटीज में लगाया जाएगा, और 150 होमगार्ड। इन सबको मिला के लगभग मेजर मेले में जितने पुलिस कर्मचारी तैनात होंगे उनकी कुल संख्या लगभग 500 के अराउंड होगी। इसके अलावा पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के लिए एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रहेगा, डॉग स्क्वाड रहेगा, QRT तैनात रहेगी, एंटी टीजिंग टीम हम तैनात करते हैं, क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो उनके साथ ऐसे घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके अलावा एंटी गुंडा सेल भी तैनात रहेगा। और 14 मिंजर चूंकि अब नजदीक आ गए, तो हम होटलों और सराय में गेस्ट हाउस में लगातार चेकिंग करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एंटी सोशल एलिमेंट जो भी संदिग्ध व्यक्ति उन्हें ना ठहरा। इसके अलावा जिले में चंबा टाउन में हमने लगभग 3 बैरियर स्थापित किए हैं, एक बैरियर सुल्तानपुर, एक बैरियर लालू और एक बैरियर अरदासपुरा पर रहेगा, ताकि हम ट्रैफिक को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए और किसी सस्पेक्टेड पर्सन को टाइमली नैप कर पाए। इसके अलावा चौड़ान में इफेक्टिव मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए हमने सफिशियंट नंबर में CCTV कैमरे लगाए हैं, और टाउन में पहले से भी काफी कैमरे लगे हुए हैं जिनको फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा गया, उनका कंट्रोल रूम भी चौड़ान में स्थापित किया गया है। जहाँ तक खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं की बात है, तो इस संबंध में पहले भी मीटिंग आयोजित हो चुकी हैं और सभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से चर्चा करके उन्होंने लगभग 20 इवेंट फाइनलाइज किए हैं, जिसकी प्रतियोगिता चौड़ान में कराई जाएगी। और कोशिश ये रही कि पिछली बार की भांति इस बार भी जो प्रतिस्पर्धा है उच्च कोटि की हो और अच्छी टीम में से पार्टिसिपेट करें, और सारा जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक स्मूथली संपन्न। सर, पार्किंग की बहुत समस्या रहती है, तो क्या इस बार पिंजर मेले में चालान होंगे वाहनों के या उन्हें छूट दी जाएगी? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी, खासकर धर्मौर चौक से लेकर इलावती चौक तक, और जो हमारा टाउन का कोर इलाका है, चौहान के आसपास का इलाका है, DC ऑफिस है, वहां पर रोड के किनारे गाड़ियां ना लगे, क्योंकि वैसे भी सरकारी गाड़ियां काफी मूव करती हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स की भी वहां से मूवमेंट रहेगी, VIP मूवमेंट भी रहेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी सड़क के किनारे जो बाइक्स पार्क होती है, प्राइवेट लोगों के व्हीकल्स पार्क होते हैं, वो वहां पर ना रहे। इसके लिए समुचित व्यवस्था बारा में की गई है, जहां से गाड़ी पार्क करके आदमी पैदल भी चौराहे तक पहुंच सकता है, मार्केट के दायरे तक पहुंच सकता है।
अक्सर 54 में पहले पार्किंग होती थी, लेकिन अब जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया है 54 नंबर 3। तो वो जो गाड़ियाँ जैसे लगेंगी बाजार में, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा रहेगा राहत उनके लिए? देखिए कोशिश लोकल लोगों की लगती है, जैसे दुकानदार है चौके पर आते थे तो वो ऑक्यूपाई हो गया, वो तो वहाँ पे ढूंढने लगेंगे, तो वहां से गाड़ी कम से कम 400-500 निकले जी। देखिए कोशिश हम भी करेंगे कि वो टू व्हीलर पार्किंग में पार्क होगा, अगर वहां नहीं हो पाते तो जब तक हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी तब तक हम सिचुएशन को मैनेज करेंगे, अगर जाम की स्थिति उत्पन्न होगी तो गाड़ी में। सर बाहर से टीमें बाहर की, बाहर से लगभग 225 पुलिस बस देखिए अभी ये चीज चल रही है, मतलब इन प्रोसेस है जी। तो जैसे मैं हॉकी की बात करूँ तो हॉकी में कई जाने माने खिलाड़ी जिन्होंने प्रोवरी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे भी कई बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे इस बार चौहान में इंजर्ड हैं। सुरक्षा और खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी शेयर करी, और जहाँ तक हम कल्चरल प्रस्तुतियों पे आते हैं तो क्योंकि इंटरनेशनल विंगर है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों को इस बार एक मौका दे सके, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय कल्चर है उसे चंबा के लोग भी दूर हों और जो इंटरनेशनल का टैग है उसे जस्टिफाई भी कर सके, तो एक हमारी कोशिश उस पर। दूसरा हमारा मुख्य प्रयत्न है कि जो चंबा के लोकल और हिमाचल के जो बढ़ते कलाकार हैं उनको भी चंबा बिंजर मेला जो है जो बहुत ही बड़ा मंच है तो उसके माध्यम से भी थोड़ा उनका उत्साह वर्धन हम लोग कर सकें। जो मुख्य कलाकार इस बार है, जो हमारी आखिरी नाइट है दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसमें जावेद अली बॉलीवुड सिंगर है, जावेद अली उनको बुलाया गया है परफॉर्म ऑन दैट नाइट। उसके अलावा लगभग चंबा और हिमाचल के कुछ 22 कलाकार हैं जो अलग अलग रातों में अपनी प्रस्तुतियां देंगे, और 3 बॉलीवुड नाइट्स हैं, 3 पंजाबी नाइट्स हैं, 3 हिमाचली नाइट्स हैं। इसका बेसिक मुख्य ये मतलब है कि जो आपका मेन सिंगर है वो बॉलीवुड सिंगर है, पंजाबी सिंगर है और हिमाचली सिंगर है, परंतु हर रात हिमाचली और चंबियाली कलाकारों की जो प्रस्तुतियां हैं वो आपको शाम के 7 बजे के बाद देखने को मिलेंगे, जब आपका विधिवत रूप से कल्चरल इवेंट आपका स्टार्ट होता है। इसी के साथ क्योंकि आज ही आप सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारी पहली रात्रि 28 जुलाई वो हमने शहीदों को समर्पित करी है, और उसके अंदर जितने भी हमारी वीर नारियां हैं या गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं पुलिस की तरफ से, आर्मी एयरफोर्स नेवी की तरफ से या आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।